कलश स्थापना करें तो अभी जिन मुहूर्त में करना चाहिए, हमको सबसे आसान रूप में पहले गणपति की स्थापना और गौरी की स्थापना करनी चाहिए। एक दिन पहले हमको गंगा जी की मिट्टी ला करके रख करके उसमें जौ बोना चाहिए, विधिवत जल डालना चाहिए, फिर मिट्टी का एक कलश रख करके उसमें जल भर करके जाल करके उसमें सर्वौषधि है, उसमें सुपारी है, हल्दी है, चावल है, रोरी है, पुष्प है, दुर्वा है और क्या कहते हैं कुसा है, इनको विधिवत डाल करके हमको उस कलश पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। बना करके फिर कलश के गले में हमको मंत्र के द्वारा मौली बांधना चाहिए। बांधने के बाद आम का पल्लव रख करके उस पर जो है पात्र में चावल हमको रखना चाहिए, रख करके उस पर विधिवत जलदार और जटादार नारियल रख करके चुनरी उस पर विधिवत अच्छी तरह से उड़ा करके देवी का या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इत्यादि देवी के मंत्रों के द्वारा हमको भगवती का आवाहन करना चाहिए। आवाहन करने के बाद विधिवत पंचोपकार या खोडसोपचार विधि से हमको देवी की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद वहाँ पर बैठ करके हम लोगों को नवरात्र का 9 दिन का पाठ करना चाहिए। देवी के पास उनको नैवेद्य भोग लगाना चाहिए, उनको दही भोग लगाना चाहिए।